अमीर जमात इस्लामी सूबे सिंध मोहम्मद हुसैन महंती ने सकरन और नवाबशाह में सैनिटाइजर, हिफाजती किट्स और दीगर अशिया सिविल अस्पताल नवाबशाह में सिविल अस्पताल की एमएस सईदा राशिदा बलोच के हवाले करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तब्दीली हुकूमत की नाहली पर अल खिदमत फाउंडेशन ने अपनी खिदमात पेश की हैं। हुकूमत ने इस कुदरती आफत में हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। राशन तकसीम कमेटी में इन लोगों को लाया जाए जो अच्छी शहरी के मालिक हैं। जिले सतह पर तकसीम होने वाले राशन से मुतमईन नहीं है। नवाबशाह और सकरन समेत जिले भर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट्स और मास्क फराहम किए हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स हजरात की जिंदगी बचाने के लिए अमीर जमात इस्लामी सूबे सिंध मोहम्मद हुसैन महंती ने अपने हंगामी दौरे पर डॉक्टरों में हिफाजती किट्स तकसीम की, जबकि 15 रोज से जारी अल खिदमत फाउंडेशन के फलाही कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि हम सिंध भर के अस्पतालों में कोरोना टेस्ट से बचाव के हिफाजती किट्स को यकीनी बना रहे हैं। इस मौके पर सिविल अस्पताल नवाबशाह की एमएस सईदा राशिदा बलोच ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमत काबिले कदर हैं और जो अशिया हमें फराहम की गई हैं इनकी इस वक्त अशद जरूरत है। अल खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा कुदरती आफात में कौम का भरपूर साथ दिया है। रिपोर्ट काशिफ रजा, वतन न्यूज, नवाबशाह।